मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर लगातार चल रहा है। सीधी जिले में भी बुलडोजर ने अपना कहर ढाया और अपराधियों की संपत्तियों को तबाह किया है। जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 13 अप्रैल की शाम अचानक उपखंड अधिकारी गोपद बनास, आनंद सिंह रजावत और तहसीलदार सौरभ मिश्रा, राजस्व पुलिस और जनपद पंचायत सीधी के अमले में गांव डेमहा के भूमाफिया अजय सिंह उर्फ लोली के कब्जे से 1,20,00,000 रुपयों की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया। उसके घर व बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है। अजय सिंह उर्फ लोली के खिलाफ थाना जमुई में कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है, जिसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है।